दूसरी शिफ्ट है लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट के लिए इमेजिन करो ये ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है, फिर से टी ले लिया उसने, पूरी ग्लास स्लैब की थिकनेस है, रे ऑफ लाइट आई नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई, रे ऑफ लाइट क्या है बेंड हो गई, रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आर, रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम ये नॉर्मल है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो क्लियर है यहां तक, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और रूल है रिफ्रैक्शन का, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इमरजेंस भी क्या होता है एग्जैक्टली सेम। अंदर का डायग्राम ये आई है, अगर रिफ्रैक्शन ना होती, लाइट बेंड ना होती, तो आपकी रे ऑफ लाइट यहां से होती हुई बिल्कुल सीधा चली जाती, बात खत्म, ऐसा जाना चाहिए था अगर रिफ्रैक्शन ना होती तो, पॉइंट नंबर वन क्लियर है। पर यहां पर रिफ्रैक्शन हो गई, लाइट ने जो रास्ता चूज किया वो ये किया, अब एक्चुअल पाथ होना ये चाहिए था, हुआ ये, इनमें दूरी कितनी है, अब अगर दूरी तो बहुत सारी है, अगर आप यहां लेते हो ये दूरी है, यहां लेते हो ये डिस्टेंस है, यहां लेते हो ये डिस्टेंस है, यहां लेते हो डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस और बढ़ गया, इसके बाद तो खत्म, क्योंकि रे बाहर आ गई। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है दोनों रेज में या दोनों रास्तों में, ये डिस्टेंस है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों लाइंस के बीच में उसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस नहीं है, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो जो लाइट है वो कितना डेविएट हो गई मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उस डेविएशन डी को आप लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो इस फिगर में लेटरल शिफ्ट कौन हुआ, ये डी हुआ, आपको डी निकालना है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी है, ये अगर आई है, इस डॉटेड लाइन के साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कितना आई है, उसमें से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, बचा हुआ एंगल आई माइनस आर है, ये आई माइनस आर है, ये आपके पास आर है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी आर है। तो आपने सिंपली एक काम करना है, इसमें एक बार आपने जो ट्राइंगल लेना है, आपने क्या निकालना है, आपको डी निकालना है, तो आप एक बार राइट एंगल ट्राइंगल ये ले लें, ये लें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ आई माइनस आर की वैल्यू क्या आएगी, डी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, क्या है पॉइंट क्लियर है, साइन ऑफ आई माइनस आर किसके इक्वल है, डी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, मुझे क्या निकालना है, मुझे डी निकालना है, डी की वैल्यू क्या है, ओ क्यू इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, ये स्टेप क्लियर है। ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू के लिए काम करें, ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितना है टी, वो टी तो ये भी टी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस ऑफ आर किसके इक्वल है, ओ क्यू डिवाइडेड बाई टी, ओ क्यू कॉस ऑफ आर है, सॉरी कॉस ऑफ आर है टी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, है ना, कॉस आर इज टी बाई ओ क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, टी डिवाइडेड बाय कॉस आर, उठा के पुट कर दो, आंसर आ गया डी का। ये देखो यही किया हुआ है, सबसे पहले साइन ऑफ आई माइनस आर लिया हुआ है, फिर यहाँ से डी निकाल लिया, फिर कॉस ऑफ आर लिया हुआ है, ओ क्यू निकाल लिया, इस ओ क्यू को यहाँ पुट कर लिया, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया लेटरल शिफ्ट का। नोट कर लें लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, टी ग्लास की थिकनेस है अपॉन कॉस ऑफ आर और डिवाइड इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर।